ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैक संख्या। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, ध्वनि के, चलयान के, वायुयान के या फिर अंतरिक्ष यान के। तो इसका आंसर होगा वायुयान के। ठीक है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ठीक है, वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है मैक अंकों का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? तारत्व कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो वो तारत्व, बी। नेक्स्ट है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है या फिर तारत्व अधिक होता है? तो महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, तो तारत्व के तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व कहलाती है। ठीक है, और ध्वनि के किस लक्षण के लिए कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के लिए। ठीक है, और फिर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? ऑप्शन ए, बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में कम होता है, या फिर बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, का आयाम अधिक होता है या फिर वेग अधिक होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो तारत्व प्रबलता और गुणता के आधार पर, या फिर केवल तारत्व और प्रबलता के आधार पर, या फिर केवल ध्वनि प्रबलता के आधार पर, या फिर केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। तो इसका आंसर होगा केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। ठीक है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जा सकता है भेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ध्रुवण है। ठीक है, ध्रुवण प्रकाश तरंगों से भी नहीं होता है, ध्वनि तरंगों से भी नहीं होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 37 का आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या 95 डेसिबल? तो इसका आंसर होगा 95 डेसिबल। ठीक है, 95 डेसिबल के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, फिर तो बेहरा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यही घटती जाती है, यह एक घटना उदाहरण है, किसके प्रभाव का उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि चंद्रमा पर तो कोई वायुमंडल ही नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पर मतलब कि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो मैंने बताया था ध्रुवण, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम चिल्लाते तो अपने हाथों को ऐसा पोज बना के देते हैं मुंह के ऊपर ताकि ध्वनि एक ही दिशा में संचलित हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग करते हैं डेसिबल का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 17 मीटर। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, रेडियो तरंगों का अपवर्तन या फिर रेडियो तरंगों का परावर्तन या फिर डॉपलर प्रभाव या फिर रमन प्रभाव। तो ध्यान रखना, रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए, 1/10 सेकंड से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे ऑडियोटेरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। ऑडिटोरियम की सुंदर बनाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, या फिर ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो इसका आंसर होगा डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। तो दिखती सी बात है, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए, तो उसको खड़ा रहना चाहिए 56 फिट। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो प्रतिध्वनि किन तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं, परावर्तन तरंग, प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, परावर्तन 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 वाली फिल्म चल रही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाए जाते हैं, किसके द्वारा प्रयोग लिया जाता है, अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ।